सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। और फिलहाल अभी भी मैं गुवाहाटी भी हूं शोएब भाई का साथ। मैं अभी फिलहाल शिलोंग का तरफ जा रहा हूं। शिलोंग पूरा नहीं जाऊंगा, उमियम लेक जो है बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक है शिलोंग पहुँचने का आगे में, तो मैं आज तक देखा नहीं हूँ। शोएब भाई मुझे लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। उसका बाद वहाँ से आने के बाद और कहाँ जाएंगे कुछ मतलब प्लानिंग नहीं है। शोएब भाई जानता है क्या लेके जाएंगे मुझे, कहाँ घुमाएंगे आज यहाँ पे गुवाहाटी पे, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है गुवाहाटी में कहाँ में क्या है, तो वही मुझे लेके घुमा रहा है अभी। और यहाँ पे रुकते अभी क्या करूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुकूँ थोड़ा देर। फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ सीधा और मिलता हूँ सीधा आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग पे। और कल बैटमैन का जो सर्विस किया ना, सर्विस करने के बाद तो ना वो लोग धुलाने का जो वॉश का ना चार्ज लिया हुआ 380। ऐसे तो अगर हम BMW का शोरूम में करता तो 800 जैसा होता है, लेकिन ये सर्विस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर नहीं है इसीलिए 380 लिया है। लेकिन चमका दिया भाई गाड़ी को, फुल चमका दिया है, पूरा साइन नया का जैसा बना दिया, देख सकते हैं नया का। सो गाइस, वेलकम टू मोटो ब्लॉगिंग पे। और जैसे कि कल सर्विस हो गया मेरा बाइक का, और बाइक का सर्विस होने का बाद चलाने के लिए इतना ज़्यादा स्मूथनेस लग रहा है, क्या ही बताए भाई, मज़ा आ रहा है चलाने के लिए। लेकिन सर्विस कॉस्ट इतना ज़्यादा आएंगे सेकेंड सर्विस कॉस्ट, में कभी सोचा ही नहीं था यार। और जब मैंने बाइक को परचेज़ किए थे उससे आगे ऐसे यूट्यूब पे ज़्यादातर देखे थे कि 6000 सर्विस कॉस्ट आते हैं, कहीं पर दिखा रहे हैं कि 7000 सेकेंड सर्विस, 8000। जब मैंने किया ना हकीकत में, हकीकत कुछ और ही था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ 7000 8000 यूट्यूब पे बताए थे, और कहाँ अभी जाके 15000। और जहाँ जैसे कि मैं गुवाहाटी तक आया हूँ, खाना पीना तेल का खर्चा टोटल करके मेरा तो लगभग 25000 जैसे चला गया। अब सोच सकते हैं अगर BMW लेंगे ना उससे आगे सर्विस कॉस्ट का बारे में सोचिए एक बार। बाइक तो आप ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, सर्विस कॉस्ट अगर उठा पाएँ तो ज़रूर ले लीजिएगा, 25000 तो सोच ही लीजिए। अगर गुवाहाटी पे रहते हैं या कलकत्ता पे रहते हैं उन लोगों के लिए सही है जिसका पास में ही है सर्विस सेंटर, तो दिक्कत नहीं है। जिसका दूर है ना उसका फट जाएगा भाई, जैसा मेरा फट रहा है अभी। और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो हाँ वहाँ से देखते हैं, कहाँ कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं। एक क्या होता है ना गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करके बताते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मन में। तो कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ना ट्रैफिक पे चलाने में बड़ा डर लगता है मुझे, कहीं से ना कहीं से कोई निकल देगा ना। हो ही गया यार, लास्ट टाइम जैसे मेरा नागालैंड पे क्या हुआ था आप लोग को पता ही होगा, जत पोजो जी आए थे तब क्या हुआ था भाई साहब। अभी भी मेरा ये बैन हो चुका है पूरा, चलाएंगे इसको जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं भाई। हे गणपति बाबा मोरिया। जैसे कि गाइस आप लोग अभी दो रोड देख रहे हैं यहाँ पे, और मेरा लेफ्ट राइट साइड में भी एक रोड है। और अभी हम लोग फिलहाल जिस रोड से जा रहे हैं आसाम हो गया, और आने का टाइम में हम जब इस रोड से आए थे ना, ये मेघालय वाला रोड है। मतलब यही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो राइट साइड का जो रोड है वो मेघालय का रोड है, बॉर्डर है ये, बॉर्डर देख रहे रोड, मतलब एक ही स्टेट में दो रोड को शेयर कर रहे हैं अभी। बॉर्डर का उस साइड वाला मेघालय वाला रोड है यहाँ पे बहुत सारा, मैं उस टाइम से देख रहा था यहाँ पे, ये तालाब में स्विमिंग पूल में जो बच्चा वगैरह खेलने के लिए होता है ना, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत सारा देखा। ये देखिए फिर से देखने मिला, अभी फिर से देखने मिला, देखिए फिर से यहाँ पे भी है, सही है भाई सही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा शिलोंग 80 किलोमीटर, नौगांव 1113। भाई साहब पुलिस रुका हुआ है यहाँ पे, रुकाना मत, रुकाने से मेरा थामने के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा रुका देगा तो अच्छा होगा ना भाई, कंटेंट अच्छा लगता है भाई, कोई पुलिस वाला रुका दिया तो बोलेंगे ना। अच्छा अभी हम लोग जाएंगे राइट साइड, सही है। और क्या क्या बना के रखे भाई, पैसा यहाँ पे भी लिखा है, पैसा क्या मतलब है, कुछ कोई गाना वाला तो नहीं है, पैसा पैसा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि मैं नागालैंड पे जा रहा हूँ, रोड वाला मक्खन वाला रोड है भाई, रोड सही है ना, हर चीज़ अच्छा लग जाता है उसका बाद। ये हो गया मेघालय का टूल गेट भाई। आने यहाँ पे आने के बाद मेरा कान ना बंद हो गया है पूरा, हवा से ना, वेदर चेंज है इसीलिए। कोहिमा का जैसा साइड साइड में फ्रूट्स लोग, अनार लोग, बहुत चीज सब्जी वगैरह वेजिटेबल जितना भी है सब साइड में यहाँ पे कोई मैं जैसे बिक्री कर रहे भाई। ये जगह तो एकदम टट्टू सेम है भाई, घास पानी का जैसा लग रहा है यहाँ पे,
ओहो सेम लग रहा है भाई, कहीं हम कोहिमा तो नहीं आ गया भाई, आसमानी जैसा लग रहा है भाई। ओ भाई जो पान मसाला रजनीगंधा में यूज होता है ना सुपारी का पेड़, बहुत सारा लगा हुआ है सुपारी। आसामी इसमें हम लोग तामूल बोलते हैं भाई, तामूल है कि नहीं भाई, तामूल 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 का पेड़ बहुत है। पता नहीं भाई ये कौन सा मार्केट आ चुका हूँ यहाँ पे, कई साइन बोर्ड उनमें लिखा हुआ है क्या, मेघालय नंगपीपू आई डोंट नो आज सही हुआ है या रॉन्ग हुआ है, नंगपीपू मार्केट भाई। वेदर पूरा ठंडा हो गया, देख रहे हैं पूरा धूप खत्म हो गया है पूरा। पुलिस वाला गाड़ी में जिप्सी में भी पूरा येलो व्हील लगा हुआ है, बढ़िया भाई निंजा जा रहे हैं। और ये रहा सोई भाई, हम दोनों आया है बस, बाकी लोग आने का बात था लेकिन आ नहीं पाया, होता है ना प्लानिंग पूरा होता है लेकिन एंड टाइम में साथ नहीं दे पाते, ऐसा कोई काम हो जाता है भाई, आया नहीं इसीलिए। ये सुमो देखे ना कैसे पीला पीला कलर का है भाई, नियॉन कलर बोलो या पीला कलर बोलो, नियॉन जैसा लग रहा है थोड़ा। हाँ नियॉन ही है भाई, पहली बार देख रहा हूँ इस कलर का मैं, और आगे में ज़्यादा पीला वाला। ये खरीदा हुआ से ऐसे ही था, भगवान जाने भाई कलर तो खतरनाक लग रहा है भाई। भाई साहब हम लोग पहुँचने वाला हो चुका हूँ जुआई शिलोंग, उमियाम लेक पहुँचने वाला हो चुका हूँ। बाइकर्स काफ़ी सारा यहाँ पे आते हैं शिलोंग पे, ज़्यादातर संडे राइड पे, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा अच्छा है और बाइक लीन करने के लिए ना, सुपर बाइक हो या स्पोर्ट बाइक हो ना, लीन करने में मज़ा आ जाएगा भाई। लेकिन हम लोग तो चलिए ठीक है, इसमें लीन करने में बड़ा दिक्कत वाला बात है, लेकिन स्पोर्ट बाइक में लीन करना बड़ा मज़ेदार होगा भाई, बड़े अच्छा लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे आंटियाँ हंसते हुए, भाई साहब थार तो अच्छा मॉडिफाई किया भाई, थार को मॉडिफाई ना करे तो वो बिल्कुल थार नहीं लगता है भाई। ये रोड का साइड साइड ना इमरजेंसी कुछ लगाया हुआ है, कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी कुछ भाई, रुकने बोले कि रुकने के लिए इशारा, चलिए रुक जाता हूँ एक बार। अच्छा कुछ चाय वगैरह कुछ खाएंगे यहाँ पे, चलो ठीक है अच्छा है। हाँ अच्छा ये क्या है भाई, ये ना बहुत चीज़ बहुत देर से देख रहा हूँ, उस दिन भी मिला था, क्या है ये क्या भैया ये भाई साहब, ये क्या फूड से भाई, कमेंट करके बताइएगा, पहली बार देख रहा हूँ मैं। सही है रास्ता की नगाड़ी वाला, अब बढ़िया वे, अरे बोतल ले जाने वाला। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग हैं, ये कौन सा जगह है भाई पता है? एग्जैक्टली उमियम से थोड़ा डिस्टेंस पे, उमियम से 10 किलोमीटर। अच्छा तो अभी लग यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, बहुत ही खूबसूरत है पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लुकाऊँ, और ये रहा बैटमैन को भी यहाँ पे रुकाऊँ, जगह बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आ गया भाई। अभी चाय पियेंगे और उसका बाद और मज़ा आने वाला है, तो उसका बाद और 10 किलोमीटर बाकी है उमियम लेक, तो वहाँ पे जाएंगे अभी फिलहाल। हाँ मज़ा है ना। सो गाइस अभी फिलहाल आज शिलोंग पे आके हम लोग यहाँ पे केसर वाला चाय पी रहा भाई, केसर वाला चाय। वो भाई लोग दो देखिए पूरा हंस रहा है चाय देने का बाद। तो यहाँ पे हम लोग अभी केसर वाला चाय पीने, और कुछ नहीं बस चाय पिएगा भाई, देखते क्या मिलता है और कुछ बना रहे क्या देखो। तो अभी केसर वाला चाय पी रहे, ये भाई केसर डाला हुआ है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है पता नहीं, लेकिन है तो केसर वाला पीते हैं एक बार देखते हैं। मीठा थोड़ा ज़्यादा है, सही है तब भी। यहाँ पे चाय वगैरह पी लिए, अभी यहाँ से निकलते हैं उमियाम लेक के लिए। और कितना किलोमीटर है? 20 मिनट्स। चलो ठीक है भाई, जगह काफ़ी खूबसूरत सा है, फ़ोटो भी डाल दिए हैं इंस्टाग्राम में, जाके आप लोग देख सकते हैं, जगह बहुत अच्छा है। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा, देखिए ना डिस्क्रिप्शन ये भी नहीं आ रहा है मुँह में बोलने के लिए। जो भी आप लोग समझ गया होगा, थोड़ा सा ना मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा टूटला है इसीलिए। चलिए यहाँ से निकलते हैं अभी, भाई रोड लेकिन बहुत बढ़िया लगा यार, भाई साहब फाड़ के चला गया।
आप लोगों का साथ आया हूँ ना, मजा आ गया दिखा के। आप लोगों का साथ आने का बात और आप लोगों का साथ हर चीज़ शेयर करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। क्या बताऊँ यार, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से मेरा बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन जब आता हूँ ना आप लोगों का साथ आता हूँ, अकेला फील नहीं करता हूँ। जब वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग डालता हूँ और मोटो ब्लॉग करता हूँ ना, साथ में जब बातचीत कर करके जाता हूँ ना, मज़ा आ जाता है भाई। भाई साहब पाइन का पेड़ दिखाई दे रहा है अभी, पाइन का पेड़ ठंडा है ना इसलिए। भाई बारिश आ गया यार, रेनकोट वगैरह कुछ भी नहीं लाया, बारिश आ गया भाई। भाई साहब बारिश आ रहा है धीरे धीरे, अभी ठंडा लग गया भाई, बारिश आ चुका है पूरा। चलिए देखें, देखते हैं क्या होता है। ओहो, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। ओहो भाई साहब देखिए ना भाई, बारिश गिर रहा है इधर में। भाई साहब देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। कोई वहां पे एक छोटा सा टेंट लगा के बैठा हुआ है, एक ने मुझे आइक करके चला गया भाई, क्यों किया पता नहीं यार, मुझे देख के गुस्सा हो गया या मुझे देखने के बाद मारने का दिल किया, पता नहीं क्यों किया, लेकिन किया तो जरूर वही करके। भाई ठंडा लग रहा है यार, जैकेट तो लेके आया हूँ भाई। भाई शिलोंग पे आने के बाद वेदर बिल्कुल टोटली चेंज, पूरा चेंज। लोग जैकेट पहन के घूम रहा है, मैं एक स्लीव फुल स्लीव पे बैठा हूँ, ठंडा लग रहा है इसलिए। लाइन लगा हुआ है, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों क्यों भाई, क्यों भाई, जा रहा हूँ हम लोग तो, कहीं लफड़ा ना हो जाए भाई, ओवरटेक काहे कर रहे हो बोल के। मतलब ना दो रोड एक ही है, इसीलिए ये खाली होने के बाद ही ये जाएगा, नहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा इसीलिए एक मतलब अभी बंद है ना, वरना तो दोनों तरफ से आना जाना होता है। अच्छा चलो चलो, अच्छा सही है सही है। अब 15 मिनट से ज़्यादा हो गया भाई रुकते हुए, एक लाइन से गाड़ी आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, पता नहीं हम लोग कब जाएंगे। 15 मिनट से ज़्यादा हो गया रुका हूँ भाई, रुका ही हूँ क्या बोले यार। और रुकते रुकते यहाँ पे देखे, अभी हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। भाई साहब क्या लिखा है इसने अपना, मतलब गड्डी पे लिखा है हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, काफ़ी रोमांटिक लगता है भाई। ड्राइवर भाई साहब थोड़ा मजनू है। चलो भाई देखते हैं अभी कितना दूर रुकना है, और देख रहे हैं क्या व्यू है भाई, हल्का हल्का सा धूप निकल रहा है। चलो ठीक है भाई सही है, इतना देर का आगे से जाने देता तो मज़ा आ जाता भाई, नीचे देख के डर लग रहा है भाई। भाई साहब हम लोग पहुंच गया उमियम लेक का टॉप में है ना ये। हाँ, टॉप में भाई साहब मज़ा आ गया, और व्यू देखिए भाई, ओहो मजा है। और यहाँ पे ना एक जो स्पीड बोर्ड बोलते हैं उसे, तब यहाँ पे चला रहे सब लोग ज्यादातर, यहाँ पे मतलब जो बाइक का जैसा होता है ना वो चला रहे। तो यहाँ से हम लोग जाने के बाद अभी पहले पुलिस बाजार जाएंगे, शिलोंग का प्लानिंग हो चुका है। यहाँ से कितना किलोमीटर बोला, ऐसा अराउंड 10 किलोमीटर होगा हार्डली, नेक्स्ट 10 किलोमीटर। तो हम लोग अभी पहले शिलोंग जाएंगे, उसका बाद यहाँ पे आएंगे तो बोटिंग करेंगे, स्पीड बोर्ड बोलते हैं इसको, बाइक का जैसा जो होता है ना, तो चलाएंगे आने के बाद, तो उसका एक्सपीरियंस भी लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। और लेक देखिए ना कितना दूर है भाई, और देखिए हम लोग का बैटमैन है, इसका नाम क्या रखा भाई तुमने, नाम तो कुछ है नहीं भाई, नाम तो होना चाहिए भाई, जरूर नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो यह है यहाँ पे कुछ एक नाम रख देना आज, क्या नाम रखना है इसका देखते हैं गाइस, बोलो क्या रखना है। अरे ठीक ठीक है, कमेंट करके बताते हैं क्या, पार्किंग का ना, पार्किंग का ठीक है भाई, रुक दे दो पार्किंग का 20 रुपीज, यहाँ पे कभी भी रुकाएगा तब 20 रुपीज पार्किंग का। और ये रहा लेक, और यहाँ पे अभी आंटी लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अंकल और आंटी दोनों अभी फ़िलहाल खींच रहे फ़ोटो, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है बोला, सही है भाई सही है सही है। अभी ज़्यादा नहीं रुकेंगे, अभी सीधा हम लोग जाएंगे शिलोंग पुलिस बाज़ार, देखते हैं। और यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, तो निकलते हैं यहाँ से अभी। ठीक है चलते हैं, ओके
चलते हैं सर। भाई साहब अंकल को मतलब बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है बोले, जैसे कि अच्छा लगा बहुत, फ़ोटो तो खींच दी हम लोग ने। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं शिलोंग, शिलोंग टाउन पुलिस बाज़ार, और जैसे कि हम लोग का प्लानिंग था नहीं, और जैसे कि सोई भाई को पता चल मतलब पूछा मैंने कितना किलोमीटर, उसने बताया कि 12 किलोमीटर। मैंने बोला अरे 12 किलोमीटर है तो चलो चल के आते, तो उसने भी बोला चलो, हाँ में मेरा हाँ में हाँ मिला लिए, तो दोनों जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे ना भाई साहब टैक्सी भी मतलब ऐसे मॉडिफाई होता है ना, आपको लगेगा नहीं कि ये टैक्सी है भाई, एल्टो वगैरह ऐसे मतलब मॉडिफाई करके रखे ना, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, रुक के दिखाता हूँ आप लोगों को। टैक्सी भी इतना अच्छा मॉडिफाई करके रखते ना भाई, कोई विश्वास नहीं करे टैक्सी भी कोई मॉडिफाई करते क्या बताइए हाँ। लेकिन यहाँ पर टैक्सी भी बहुत ही अच्छा से मॉडिफाई करके रखते हैं। ट्रकों पर कौन एलोय लगाता है भाई, भाई मेघालय है भाई मेघालय, यहाँ पे एलोय तो होना ज़रूरी है, बिना एलोय का कोई गाड़ी ही नहीं है, जो गाड़ी पे एलोय नहीं है भाई। ट्रकों पे एलोय मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ भाई। कौन सा जगह पहुँच गया हूँ, शिलोंग का जो लोकल ट्रेडिशनल है यहाँ पे दिखाया गया है, पेट्रोल पंप बीचों बीच भाई, सही है भाई, कोई भी जाएगा पेट्रोल पम्प भरा के जाओ। हाँ थके तो मैं तो सही हो, अच्छा 407 वाला बस दिखाई दे रहा भाई। यहाँ पे जितना भी बस दिखाई दिया अभी मतलब ज़्यादातर मतलब अभी भी 90s का बस है भाई यहाँ पे, वहाँ पे भी देखिए ना एक गाना था आदमी मुसाफिर है, उस सॉन्ग पे ऐसे वाला वो गाना मैं ऐसे बस दिखा था, आज यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं सोचा पूरा ख़त्म हो चुका है वो बस, लेकिन आज भी 90s का ज़माना का बस आज भी जिंदा है भाई। पुलिस बाज़ार, पुलिस बाज़ार अभी फ़िलहाल पुलिस बाज़ार पे हम लोग है, और पुलिस बाज़ार इतना ज़्यादा बिजी बाज़ार है, सोचा नहीं था मैंने। चलिए ठीक है, जो भी है सही है भाई, लोग एकदम नशा करते हुए अपना बिजनेस कर रहे, कोई बीड़ी तानते हुए अपना प्रोडक्ट बिक्री कर रहे। आज यार मज़ा आ गया देख, देखिए पूरा अपना बिजनेस करते हुए। अच्छा नहीं नहीं ये ठीक लगे भाई, ये भल लगे मजा 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 कसम से। यहाँ पे आने का बात ना एनर्जी बढ़ गया भाई, मैं ना एनर्जी का ना मतलब हद है यार, मजा आ गया भाई। मैंने ऐसे घूमने के लिए आया था, अच्छा लगता है ये जगह देख के, अच्छा लगा बहुत। हाँ यहाँ से गुवाहाटी होकर नागालैंड जाऊंगा फिर से, ये BMW। आंटी ने बोला ये रोड पे क्यों आए हो, ये रोड रास है, थोड़ा थोड़ा भीड़ है। हाँ अच्छा अच्छा पुलिस बाजार थोड़ा जाएंगे, इधर में है ना पुलिस बाजार। अच्छा 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 उड़ जाने वाले ना भाई, वो राइट नहीं है। ओ अच्छा 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 भाई गाड़ी पूरा हीट हो चुका है भाई। भाई यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ याद आ रहा है मुझे, इंग्लिश मालूम मालूम। रेस्टोरेंट कहाँ पे है, है तो है नहीं है तो नहीं है। वो चीज़ याद आ चुका है मुझे ऐसा। ये हो गया टैक्सी है, लेकिन एलोय देखिए भाई साहब, हम लोग का वहाँ पे लोग तो अपना पर्सनल प्राइवेट गाड़ी पे भी नहीं लगाते। भाई साहब निकल चुका हूँ, आई लव शिलोंग भाई साहब। पुलिस बाजार है क्या ये, अरे यार खुशबू क्या आ रहा है भाई, शिलोंग लव शिलोंग। हाँ भाई ये कौन सा जगह है, यही है क्या, चलो चलो कहीं चलो, रुकता हूँ कहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी फिलहाल पुलिस बाजार पे हैं, और लोग देखिए भाई इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड है ना। हाँ सोए भाई पूरा क्राउडेड है, तो फिलहाल बाइक को अभी पार्किंग में रख के आया हूँ,
अभी जाएंगे थोड़ा आगे तक और देखेंगे कहाँ पे क्या है क्या नहीं है भाई। ये देख सकते हैं आप लोग, आई लव शिलोंग। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी एक्सप्लोर करना है थोड़ा बहुत। चलो कोई कुछ कुछ देखते हैं। और यही है मेन पुलिस बाजार, राइट। लोग देखिए कहाँ से कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे कुछ मालूम नहीं चल रहा भाई। एक तरफ में इतना रास्ता है। अभी फिलहाल हम लोग पुलिस बाजार मार्केट पे देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा लोग है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी खाना आ चुका है, अभी खाना मार रहे हैं हम लोग। चलो पुलिस बाजार पे। सोहेब भाई थैंक यू सो मच लेके आने के लिए। और यहाँ पे अभी जीरा राइस और सब्जी और चिकन बस। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे रुकना नहीं है, मतलब यहाँ पे आज रुकेंगे नहीं। अभी सीधा हम लोग जाएंगे सीधा फिर से गुवाहाटी। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 3 घंटा ना। धीरे जाएंगे, जल्दी नहीं। उमियाम लेक में वो हमको बाइक चलाना है भाई, तो जल्दी निकलना भी होगा। फटाफट गरम गरम खाना ठंडा ठंडा जगह पे तो खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, खा लेते गाइस। सो गाइस अभी खाना पीना हम लोग का हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए। तो बाय बाय पुलिस बाजार एंड शिलोंग। तो यहाँ से निकलता हूँ, पार्किंग का पैसा दे दिया, 20 रुपया करके पार्किंग है। एकदम पुलिस बाजार का बीचों बीच है ये पार्किंग। आप लोग कभी बाइक लेके आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है देखने के लिए, दो बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, बाइक का कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा और GoPro पे चार्ज बहुत कमती हो गया जितना हो सका और दिखाएंगे। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग उमियाम लेक पे पूरा नीचे पे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं गाँव पे। सो अभी बोटिंग के लिए अवेलेबल है कि नहीं पता नहीं, बारिश आ गया इसलिए बोटिंग रुका दिए बोले, तभी एक बार पूछेंगे यहाँ पे। बोटिंग स्पीड वाला। सो गाइस हम लोग अभी तो बोटिंग के लिए आया था, स्पीड बोट इतना अच्छा लगा था, मतलब टीवी वगैरह में देखे थे चलाने, तो आज तक पाया नहीं, तो आज चलाएंगे सोचा नहीं हो पाया। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं और बस बारिश आ रहा है, GoPro भी चार्ज खत्म। ओ भाई ये क्या चीज़ है भाई? ओ भाई सूरज आ रहा है ना वहाँ पे, गाइस एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए धूप का रोशनी आ रहा है, सूरज यहाँ पे गिर रहा है, सब ठंडा ही ठंडा हवा आ रहा है बहुत। तो क्या करेंगे गाइस, मजबूरी है, अभी यहाँ से निकलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस, और क्या ही बोले, और कोशिश करेंगे इससे और आगे आगे अच्छा अच्छा वीडियो और लाने के लिए। बस वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।